मैदा, एक कप दही, हाफ टीस्पून नमक, वन टीस्पून शुगर चीनी, वन टीस्पून देसी घी, हाफ टीस्पून बेकिंग पाउडर। गार्निशिंग के लिए हमें चाहिएंगे 4 से 5 लहसुन की कलियां, बढ़िया से चॉप की हुई अच्छे से, हाफ टीस्पून कलौंजी, बटर, फाइनली चॉप किए हुए धनिया पत्ती। 30 सेकंड्स के लिए दही को माइक्रोवेव में डाल देंगे, हल्का सा गर्म कर लेंगे, फिर से ठंडा नहीं होना चाहिए। दही में हम ऐड करेंगे चीनी, नमक, घी, ऐसे मिक्स कर देंगे, ऐसे बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। बाउल में हम अपने मैदा को ऐड करेंगे और जो कर्ड हमने रेडी किया है वो ऐड करेंगे। ये जो कर्ड है ना बहुत अच्छे से फर्मेंटेशन के लिए बहुत हेल्प करता है। ठंडा आप कर्ड यूज ना करें बिकॉज ठंडी चीज में होने में टाइम लग जाती है, और गर्म रहेगा तो फर्मेंटेशन बहुत अच्छे से होती है। हाथ की सहायता से इसे अच्छे से मिक्स करके इकट्ठे कर लेंगे। मिक्स करके इकट्ठे कर लेंगे। टर्फ सर सॉफ्ट भी नहीं होगा, थोड़ा हार्ड भी नहीं होगा, मीडियम होगा, और इसमें नीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। नीडिंग आप बहुत अच्छे से कीजिएगा नई सॉफ्टनेस आएगा। नीडिंग करके इसे आप इसे कवर करके रखना है। इसे जब आप देखते हैं एकदम सॉफ्ट है ये, इसे से रहना चाहिए वाला, और इसे हम क्लीन रैप में कवर करके 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये 2 से 3 घंटे हो गए हैं और ये काफी सॉफ्ट हो गया है। बाहर निकालेंगे और नीट करेंगे इसे वर्क स्टेशन पे, और डस्टिंग करेंगे मैदा से और इसे अच्छे से नीट करेंगे फिर से दोनों हाथों की सहायता से। ऐसे 4 पोर्शन में कर लेंगे। और इसे हम अंदर की तरफ नीट करेंगे, इसे यू नहीं करेंगे, इसे अंदर की तरफ नीट करेंगे इसको। जैसे भी कर सकते हो अंदर की तरफ करना इसे, ऐसे करके एक ट्रे में हम रख देंगे इसे, बाकी के कर लेंगे। और 2 कप में 4 बन जाते हैं, और इसे फिर हम क्लीन रैप से रैप करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे इस तरह से। 10 मिनट हो गए हैं, इसे स्टेशन पे इसे रस्टिंग करेंगे। था 2 कप लो लेंगे पेड़ा और उसमें हल्के हल्के हाथ से इसे बेल लेंगे। लंबा चाहे तो लंबा भी बेल सकते हैं, अगर आप गोल बेलना चाहें तो गोल भी बेल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। पानी लगाएंगे पहले, इसमें काली चीनी और इसे और इसको लहसुन पे डाल देंगे और यहाँ से थोड़ा प्रेस कर देंगे उसको। अब इसे हम उलटाएंगे और इसे अच्छे से इसमें
गर्म करेंगे, लोहा का तवा लेंगे, इस पे हम नॉन स्टिक नहीं लीजिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं आपको दिखाऊंगी कैसे। उल्टे साइड में जो है वो इसको इस तरह से लगा देंगे यहाँ पे हम, ऐसे सिकने देंगे हम, इसे हल्का हल्का प्रेस करेंगे, पानी की तरफ नीचे रहेगा वो। मीडियम लो फ्लेम में आप इसे मंदिया से पकाएंगे अच्छे से। इसे हम कंदासी से लेकर इसे उल्टा कर देंगे इस तरह से, ऐसे धीरे सेकेंगे। अब इस तरह सेक गए हैं और इस चीज की वजह से अब इसे उठा भी लेंगे। हमारे किसी चूल्हे की तवे पे जिसे मिलता है वैसे ही पूरा सीखा है, वैसे ही पूरा बना है। इसे हम बटरिंग करेंगे, अब इसे बटर लगाएंगे, चम्मच से ना लगाएं तो ये जो अप एंड डाउन से होते हैं नान के तो वो बिगड़ जाते हैं, नाइफ बटर नाइफ से हल्के हल्के लगाएं। धनिया पत्ती से कर दे और भी बना लेंगे। तवा रेडी है सर्व करने के लिए। अगर आप गार्लिक नहीं पसंद करते हैं, ये गार्लिक नान मैंने बनाए हैं, तो गार्लिक को आप अवॉइड भी कर सकते हैं, नहीं बना डाल सकते इसमें, तो ये नान बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और इसको आप किसी भी सब्जी के संग सर्व कर सकते हैं। मैंने आज आलू बनाए हैं तो आप उसके संग भी सर्व कर सकते हैं, या छोले, या अपने मनपसंद किसी भी सब्जी से पनीर बना सकते हैं। थैंक यू।